शो गुम है किसी के प्यार में आज दिखाया जाएगा कि ईशांत शांतनु से कहेगा अगर उसने सभी को वहां रुकवाया तो वह पुलिस को बता देगा। इस पर शांतनु बोलेगा कि वह उसके कहने पर ही रुकी थी। ईशान बोलेगा कि उस औरत के कहने पर ही उस लड़की को यहां बुलवाया गया है। इस पर शांतनु कहेगा कि औरत नहीं ईशा तुम्हारी आई है। इस पर पूरा घर शांतनु पर गुस्सा करने लगेगा। शांतनु बोलेगा कि सभी के अंदर काबिलियत है। इस पर यशवंत बोलेगा कि उसने अब तक काबिलियत साबित नहीं की है। अश्वनी ईशा का शुक्रिया अदा करेगी, कहेगी कि उसकी वजह से सभी की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई है। ईशा बोलेगी कि सभी उसकी बेटी की तरह है और वह हमेशा उसके साथ रहेगी। कॉलेज में सभी को गार्ड्स भगाएंगे। ईशान की बहनें पहचान जाएंगी कि सभी वही है जिसकी वजह से घर पर झगड़ा हुआ था। वो लोग उसे सबके सामने बेइज्जत करेंगे। सभी उन्हें मजा चखाएगी। सभी शांतनु से मिलने में लेट हो जाएगी और बोर्ड मीटिंग में पहुंच जाएगी। मीटिंग में राव साह शांतनु के साथ कई और लोग होंगे। ईशान अपने आइडिया शेयर करने वाला होगा तभी सभी वहां पर पहुंच जाएगी। शांतनु उससे मिलने के लिए उठेगा। वह सभी से अच्छे से मिलेगा। इस पर ईशान गुस्सा हो जाएगा। सभी अपना इंट्रोडक्शन देगी, बताएगी कि वह भोसले इंस्टीट्यूट में क्यों पढ़ाना चाहती है। बाकी लोग सभी का मजाक उड़ाएंगे। यशवंत राव भी सभी से कहेंगे कि एडमिशन का टाइम निकल गया है। अब आगे दिखाया जाएगा कि सभी अपनी काबिलियत से शांतनु को भी इम्प्रेस कर लेगी।